सो हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग चैनल सूरज तिवारी व्लॉग्स पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज है अपनी बुलेट की सर्विस और फ्यू भाई जा रहे हैं ग्वालियर, तो इनको काफ़ी कुछ म्यूजिक प्रोडक्शन की चीज़ें लेनी है, तो आज हम लोग वही लेने आए हैं। तो भाई ये देखो अपनी बुलेट सेक्सी दन्नो, इसकी सर्विस आ गई है और बहुत ही जल्द अपनी इस BMW की भी सर्विस आने वाली है, क्योंकि 1000 किलोमीटर होने वाले हैं पूरे, 933 किलोमीटर हो चुके हैं, तो ये भी सर्विस आने वाली। तो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि BMW 310 GS का फर्स्ट सर्विस का क्या कॉस्ट आता है। तो चलो फटाफट निकलते हैं बिना ज्यादा टाइम पास और बिना ज्यादा बातें। भाई मैं कह रहा था कि मेरा भी थोड़ा साथ में, तो पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, शिव भाई वैसे बता दूं कि बहुत कम गाड़ी चलाते, तो आज शायद ये ढंग से रोड पर पहली बार लेके निकल रहे, तो देखते हैं क्या सीन है, चला पाते हैं चला पाते हैं, मुझे भरोसा चला लेंगे। तो भाई पहला पड़ाव तो यही है बिल्डिंग का टर्न्स, तो बिल्डिंग के टर्न जो भाई आराम से पार्क कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये गाड़ी उम्मीद है चला लेंगे अच्छे से। अरे कहाँ रह गए ये, स्लो स्लो चलना पड़ेगा लगता है मेरे को इनकी वजह से। अरे वेट 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 है दिखे 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 गाइस, आ जाओ भैया शो भैया आ जाओ। वाह फुल राइडर लग रहा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है ये बहुत कम गाड़ी चलाने वाला या पहली दूसरी बार चलाने वाला इंसान लग रहा है ये गाड़ी, ए क्या बात। तो भाई ये सब खतरनाक रास्ते मार के हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इससे हमें ट्रैफिक का सामना कम करना पड़ेगा, काफ़ी रास्ता बच जाता है और ट्रैफिक का सामना भी कम करना पड़ता है। शिव भाई जब लोकल में चलो ना, लोकल में जब जहाँ ट्रैफिक हो तो 1 पे रखो, वरना जब भगाने का सीन हो ना तब 2 पे डाल दिया करो, खाली 1 पे ही मत चलो ठीक है, क्योंकि थोड़ा फास्ट चलना जरूरी है, पहले पे खाली मुश्किल से 40 मिलेगा। सक्सेसफुल मतलब भाई साहब बन गया लौंडा बाइक ड्राइवर, अब इसको राइडर बना देंगे कुछ दिन में हम ड्राइवर से। सुना ना भाई साउंड, इसको बंद करो एक बार और फिर करो। लौंडे स्पोर्ट साउंड निकाल रहा है सही, अरे बहुत सही चला रहे हो, लग ही नहीं रहा सच्ची में। हाँ भाई मैं जिस लौंडे को सिखा रहा हूँ वो तो मुझसे ही आगे निकल जा रहा है, मुझसे आगे आगे चल रहे शिव भाई, रुको उनको रोक के बोलना पड़ेगा कि भाई अपने को लेना है आगे से यू टर्न, यही साथ में रहो, कहाँ के रहे भाग रहे हो पता होता है नहीं। लेना था हमको यहीं से यू टर्न, बट शिव भाई अपने अलग ही दुनिया में चल रहे थे। ओह भाई कहीं आगे चले गया लगता है, रुको गाड़ी को साइड लगा के देखते हैं क्या सीन है। आ गए आ गए, ओ अरे बाप रे बाप रे, कहाँ कहाँ तुम ज्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हो क्या, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा है, लग रहा है कि डर लग रहा है तुमको, किसको अकेले चल के पागल वागल हो क्या, अरे बाप अलग ही चल रहे हो, अरे तो पीछे रहो ना आगे क्यों चल रहे हो फिर, आओ अरे वाजी वाह मजे ले रहा था बोलते, पता होता है नहीं नया नया गाड़ी लेके निकला है लौंडा मुंबई की सड़कों पर, और खास रास्तों का भी कोई अंदाजा नहीं है और बोलते मजे ले रहा था भाई अपने सर्विस सेंटर। तो भाई सर्विस सेंटर पहुंच गए, गाड़ी को फटाफट दे देते हैं, अंदर ब्लॉक तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब मैं बाइक की डिलीवरी ले रहा था तभी ये नहीं थे, दूसरे लोग थे बट वो लोग नाटक कर रहे थे वहाँ पे, तो फिर यहाँ भी मेरे को बेमतलब के पंगे करने नहीं है, देते ख़त्म करते हैं, कंपनी अच्छी है गाड़ी अच्छी है लोग कैसे भी हो वो सब ठीक है भाई, पर मैंने गाड़ी कैसे चलाई, गाड़ी तुम बहुत सही चला रहे थे लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी एकदम नेक्स्ट लेवल था, मतलब नया नया लौटा लेके गाड़ी निकल रहा, पता था तुमको रास्ता कहाँ हो, तुमको पता है कहाँ हो, मज़ा ही आ रहा था भाई मेरे को, तुमने एकदम से भगाई, तो तुम्हारे पीछे पीछे बिल्कुल ऐसे तुमको फॉलो करा, एकदम बराबर फॉलो भी किया तुमने, सही है भाई। भाई मैं बोला था थोड़ी देर पहले, मैंने बोला कि भाई को अभी बाइक ड्राइवर बना दिया हूँ, थोड़ी देर में राइडर बना दूंगा, तुम तो बस तुरंत ही बन गए। तुम्हारी मेहरबानी, रात में ये कौन सा अक्सा बीच ले जाके तुमने जो सिखा दिया, रात को भाई इनको अक्सा बीच ले जाके ट्रेनिंग दी गई है गाड़ी की, चलो पहले देते फटाफट फिर आगे और अपने पास बहुत सारा काम है। तो भाई दे दी है हमने अपनी बुलेट को सर्विस पर और सर्विस बहुत ही जल्दी हो जाएगी, होपफुली कि आज ही हो जाएगा नहीं तो फिर कल तो हो ही जाएगा, तो हो सकता है आज के या कल के ब्लॉग में हमें ये गाड़ी भी मिल चुकी होगी। तो चलो अब अपनी रिवॉल्ट के साथ में चलते हैं और शिव भाई के म्यूजिक प्रोडक्शन की कुछ चीज़ें खरीदनी है, शिव भाई बहुत ही प्यारा स्टूडियो बना रहे हैं ग्वालियर में, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खरीदनी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें यहाँ मुंबई से ही खरीदनी है, तो चलो वो लेते हैं है ना।
यस। क्या क्या लेना रेडी है दिमाग में चीजें? चलो चलते हैं। ओके गुड बॉय, लिस्ट बना रखी है। रास्तों पर कुछ भी आए तो आपको उसे टैकल करने के लिए एक स्मार्ट ड्राइवर चाहिए होता है, दैट इज मी। मतलब तुम स्मार्ट ड्राइवर हो? या ब्रो, खुद का ड्राइवर हूँ, लेकिन ये भी याद रखना आई एम स्मार्ट राइडर नॉट ड्राइवर। राइडर? हाँ, नहीं तो मैं बताना चाह रहा था भाई। वो ये बताओ, हाँ ये जो सड़क के लिए बनाते हैं, पेड़ क्यों लगाए जाते? इसमें पेड़ क्यों लगाए जाते? ताकि थोड़ी सी मतलब ग्रीनरी बनी रहे। और वैसे भी डिवाइडर देने के बीच का क्या ही काम है, सब ये सब जंगल तोड़ के तो बनाया है लोगों ने सब कुछ। प्रदूषण से बचाने के लिए? अरे खाक प्रदूषण बचा लेगा चार पेड़? साला यहाँ देख रहे हो हजारों गाड़ी है और चार पेड़ लगा के प्रदूषण बचा लेंगे लोग? मतलब कोई खास तो नहीं होता इसको पेड़ लगाने का? वैसा मुझे तो कोई बहुत खास मोटो तो नहीं पता है, बट मेरे हिसाब से तो यही है कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत ग्रीनरी हो जाती है। जो आपके सब्सक्राइबर्स को अगर पता है तो? हाँ भाई, अगर किसी और को पता है तो प्लीज़ बता देना कि ये ऐसे क्यों लगाते हैं बीच में पेड़। मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ग्रीन और क्लीन दिखने के लिए, बट हो सकता है कि कुछ और भी वजह हो तो आप बताना भाई। हैं, ठीक है। तो जी आ गए हम अपनी फेवरेट शॉप नोवेल्टी पर। यहाँ से हम हमेशा अपनी सारी चीज़ें लेते हैं, यहाँ हमारी सारी चीज़ें मिल जाती है भाई। यहाँ से गाड़ी भी टो जाती है? थोड़ा गाड़ी का ध्यान देना पड़ेगा वरना यहाँ से गाड़ी टो जाती है भाई। लॉन्डे की सारी सामान हो गई है, अब इसके भागने की तैयारी है। ये इसके सारे सामान। कब जा रहे हो फिर भाई? आप लोग भेज रहे हो? जल्दी 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 जाओ भाई, इनसे इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये जा रहे हैं। पता है ऐसा नहीं है। और क्या चाहिए अभी? तो माइक का केबल चाहिए मेरे को। हाँ, और क्या चीज़ मिली? हेडफोन नहीं मिला। लेट्स सी, उसका भी कुछ तो करेंगे जी। यस, लेकिन चाहिए सेनाइजर का। सेनाइजर का? या निकलते निकलते शिव भाई का मैंने और 2-3 हज़ार का चूरा लगवा दिया ना। मेरी इस दुकान से टाइप है तो ये लोग मुझे पैसे देते हैं, ये मेरे शिवाय को नहीं बताया था। अभी तुम्हारा जो खरीदा हुआ ना 20% मुझे मिलेगा, पता है। बस ये देखो गाइस, गोल्ड जिम, इतना बड़ा जिम, इंटरनेशनल जिम है ये। मेरे को भी लगवा दो भाई। अरे जाओ, लगवाया जिम में अभी जल्दी में, पैसा बर्बाद कराया, एक भी रुपया वसूल नहीं पाए। 4 दिन मुश्किल से गए, फिर बैठ गए आराम से। अभी 3 महीने का मेंबरशिप है और बर्बाद करा के जा रहे हो। ट्रेडमिल तोड़ दिया ना? हाँ, ट्रेडमिल तोड़ दिया। 3 महीने का जिम का पैसा बर्बाद करा के जा रहे हैं हमारे शिव भाई। 5-6 हज़ार रुपये का चूना लगवा के जा रहे हैं, याद रखना। आप लोग के सामने बता रहा हूँ ये बात। वसूलूंगा तुमसे, फिर लोगों को बता के वसूलूंगा। अब ये मिशन मेरा ही नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स का भी हो गया है कि शिव भाई से कैसे भी 5 हज़ार रुपये वसूलने हैं। भाई जाने दो भाई, ग्वालियर में भी तुम्हारी सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, जो भी मेरे ग्वालियर में जो भी मेरे ग्वालियर के सब्सक्राइबर्स हैं वो शिव भाई को बिंदास लूट सकते हैं। उनका जेब काटो, उनकी मोबाइल छीन लो, उनके पास महंगा महंगा लैपटॉप, महंगे महंगे कंप्यूटर और म्यूजिक के सामान है, माइक है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। कम से कम 4-5 लाख के ऊपर के तो खाली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लूट लो साला, पूरा लूट लो, और उसमें से मुझे खाली 5 हज़ार दे देना। तो भाई चलो, शिव भाई के लिए परफ्यूम लेना है, ड्रीम परफ्यूम। परफ्यूम तो मेरे लिए तो तुम बताओगे कौन सा नाम। इनको मेरी परफ्यूम पसंद है और मैं इनको अपनी परफ्यूम नहीं बताने वाला हूँ। प्लीज भाई। नहीं भाई, वो मेरा है। ग्वालियर में जाके सबको बता दूंगा कि ये सूरज भाई भी लगाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई, लोगों को तुम्हारी कम से कम खुशबू तो पता चले। हाय हाय। तो भाई हमारे शिव भाई ने ले लिया है परफ्यूम्स, दिखाना भाई। ये देखो, तिजोरी में खजाना खजाना। चलो फटाफट बांध दो सामान और चलो, बहुत सारे काम है भाई, इतना टाइम वेस्ट मत करो। वही हो गई शिव भाई की शॉपिंग्स। क्या क्या लिया भाई? टी शर्ट, पैंट, फलाना ढिमकाना सब कुछ लिया है। बहुत सारा सामान ले लिया, अभी घर जाके दिखाता हूँ। घर जाके दिखाता हूँ, घर जाके मार भी खाता हूँ। चलो उठाते अपना हेलमेट और चलते हैं। चलो भाई, मिलते हैं फिर। हाँ चलो भाई, बाय बाय। चलो तो भाई, दोबारा आ गए हैं हम घर। ये नहीं देखो, सारी शॉपिंग वॉपिंग
बार बार क्यों दिखा रहे हो भाई? दोनों दिखा रहा हूँ, बार बार दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा शो ऑफ कर रहे थे भाई, इसलिए मैंने बोला कर लेने से। तो हो गई शॉपिंग शॉपिंग अभी तक, मतलब रॉयल एनफील्ड से फ़ोन नहीं आया, तो मोस्टली अब मेरे को लग रहा है कि कल ही गाड़ी मिलने वाली है। तो आज की कहानी खैर अभी तो यहाँ तक ही है, आगे कहानी आगे देखते हैं। तो भाई एक दुख की खबर है कि शिव भाई हमारे यार कल ही गाँव जा रहे, तो आज रात में शायद अभी हाल फिलहाल के लिए आखिरी रात ट्रिप की रात होगी जब हम चाय पीने आएंगे। मैं और शिव भाई अधिकतर रात में ऐसे चाय पीने आ जाते हैं, जब भी दोनों में से कोई परेशान होता है, कुछ भी होता है, जब खुशी भी होती है ना, तो हम लोग रात में ऐसे चाय पीने निकलते हैं, तो आसपास में कहीं जाते हैं, चाय वाय पीते हैं और फिर करेंगे इस ब्लॉग को एंड। ग्वालियर में भी बड़ी याद आएगी इस चीज़। हाँ मुझे भी याद आएगी यार शिव भाई की। एक बज रहा है अभी, 1:09 हो रहा है और अभी हम लोग निकले हैं चाय पीने, तो चलो चाय वाय पीते हैं और फिर निकल जाएंगे अपने घर पर और फिर खा पी के सो जाएंगे। कल शिव भाई जा रहे हैं और हम भी कहीं लेकिन बाहर जा रहे हैं। गलत बात ये हो गई कि जब शिव भाई बाहर, मतलब जब शिव भाई गाँव जा रहे हैं तब मुझे ज़रूरी बाहर भी जाना है, कुछ और भी काम है, तो मैं उनको छोड़ने भी नहीं जा पाऊँगा। कोई बात नहीं, रहेंगे हम साथ में, रहेंगे इस मेमोरी में कैद रहेंगे। चलो चाय पीते। तो शिव भाई लेट्स शेयर द चाय। एक्चुअली चाय की जगह बूस्ट ली गई है। वैसे एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया कि यहाँ पर कर रहे हैं हम इस व्लॉग का एंड। तो होप सो व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो ध्यान से देख लेना कि बेल आइकन दबा दिया हो। बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। चीयर्स। सुबह सुबह व्लॉग देख रहे हो तो चाय ज़रूर पीना मेरी तरफ से।